वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन. हमारे साथ हमारे अगले मेहमान जो हैं वो सेट पे मौजूद हैं. वी आई वुड लाइक टू यू नो आपको उनको मिलवाने चाहती हूँ उनसे. तो चलते हैं आप क्लोज एंड पर्सनल की जानिब. हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ज़ुबैर मिर्ज़ा, ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, वेट लॉस स्पेशलिस्ट हैं, एंटी एजिंग एक्सपर्ट हैं, और हमारे साथ डॉक्टर फ़ाहद मिर्ज़ा मौजूद हैं जो कि प्लास्टिक सर्जन भी हैं, स्कल्प्टर भी हैं और एक्टिंग भी करते हैं ओकेजनली. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. वालेकुम अस्सलाम. कैसे हैं आप लोग? वेरी वेल माशाल्लाह. सबसे पहले आई वांट टू टॉक टू यू गाइस बिकॉज फादर्स डे इज कमिंग अप ऑन संडे. आपने कोई प्लान बनाए? हमने कोई सच प्लान तो नहीं बनाया, बट नाउ दैट यू मेंशन इट बना लेंगे. जल्दी में हमें तो अम्मी बताती है कि अब ये बर्थडे आज इसकी बर्थडे. अभी बर्थडे गुजरी है मेरी तीन चार दिन पहले. वो भी अचानक एकदम इन्होंने सारे मेरे बहन भाइयों को बुला लिया इन्होंने सरवत ने. ऑल राइट. और एकदम से बर्थडे हो गई. तो हमारी सारी जो डेट्स और इसकी जो हमारी वो है वो अम्मी है. वो अमेरिका जहाँ भी होती है, पाकिस्तान में होती है, अमेरिका में होती है, वो ही शी मेक श्योर इसको विश कर रही है, उसको विश कर रही है. तो अम्मी इज अम्मी से पता चलता है. अच्छा ये हो ये होने वाला है, लेट्स डू दिस, लेट्स डू दैट. कूल. अच्छा मुझे ये बताएं कि मैं आप दोनों के रिलेशनशिप के बारे में आप लोगों से पूछना चाहती हूँ. बिकॉज आई थिंक ये हर यू नो जो ये पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशनशिप होता है, इट गोज थ्रू लाइक दिस लिटिल यू नो लाइक अ रिदम. बचपन में जब फाहद आई एम श्योर व्हेन ही वाज यंग इट वाज डिफरेंट, टीन्स में डिफरेंट होता है, एंड देन व्हेन यू बिकम एन एडल्ट एंड एंटर एडल्टहुड एक डिफरेंट होता है. तो हाउ वाज दैट एब एंड फ्लो? पहले मैं आपसे पूछती हूँ फाहद, आप बताओ. सो बचपन में क्या रिलेशनशिप था? सो आई एम जस्ट गोना से इट लाइक इट इज. सो विद अब्बू इट वाज ऑब्वियसली नाउ दैट आई टॉक टू मैं अपने सारे अब जो दोस्तों से बात करता हूँ तो रियलाइज करता हूँ कि हम सबका एक ही था. हमारे फादर्स बहुत डिस्टेंट हुआ करते थे. फादर्स से एक बड़ा गैप होता था जो आजकल हम पेरेंट्स नहीं करते ना. हम बच्चे बड़ी डूड बट लाइक यू नो वैसा होता विद आर फादर्स. स्पेशली ऑल माय फ्रेंड्स आई टॉक टू फादर्स वर अ डिस्टेंट फिगर यू नो. तो अब्बू के साथ भी ऐसा ही था कि सोच समझ के बात करनी एंड देयर वाज ऑलवेज दैट अब्बू का एक डिस्टेंस होता था. अब्बू का अब्बू ज़्यादा बात भी नहीं करते थे, कम गोते थे. सो यू नो मुझे याद है कि मैंने अब्बू सो जस्ट आई कुड हैंग आउट विद अब्बू आई स्टार्टेड प्लेइंग गोल्फ. आई एम नॉट किडिंग. मैंने गोल्फ खेलना शुरू किया दस तो आई कुड अब्बू से मेरी बातें हो सकें, ये हो सके. सो ग्रोइंग अप बस अब्बू एडवाइस देते थे कि पढ़ो, ये करो, वो करो, बट देयर इज नॉट लाइक अ लॉट ऑफ. ये मेन मेरा जो फोकस था ना बच्चों के लिए वो पढ़ाई के, इसी में इन्वॉल्वमेंट रहती थी. इनके लिए बुक्स लाना, इनके लिए कुछ ऐसी चीज़ें जिससे वो बहुत पुराने ज़माने में वो इंसाइक्लोपीडियाज होते थे, टाइम लाइफ होती थी, इतने डजन वो ला के. वो मेरा मेन था बस के बच्चे जो हैं लड़कियों के लिए भी इनके लिए भी मेन फोकस था कि पढ़ाई में अच्छे हो जाएं. हमारे ज़माने में जब हम बच्चे थे तो हमें तो हमारे वालदेन को तो पता ही नहीं होता था कि हम लोग क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं. जैसे मेरा स्कूल जो था जब मैं 8 साल का था वो घर से 1 मील दूर था तो मैं पैदल जाता था. 8 साल का बच्चा आज 1 मील आप स्कूल वो घर से बाहर नहीं निकलने देते थे हम इनको जब ही 8 साल के थे. तो अकेले स्कूल जाता था वापस, कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि ना कोई डर होता था ना कुछ होता था. और वालिद ने मेरे लिए पढ़ाई में बहुत एफर्ट किए मेरे वालिद ने, इसमें कोई शक नहीं है. मैं जब 8 साल का था तो मुझे डेली पढ़ाते थे ऑफिस से. मेरे लिए वो क्विज प्रोग्राम लेके डिफरेंट क्वेश्चन आंसर सेशंस वो टाइप करके लाते थे, मैं रोज़ करता था. सो मच सो के जो मेरे फैमिली में जो मेरे कज़न्स थे जो मैं 8 साल का था जो 12, 14, 16 साल के थे, कैन यू इमेजिन दैट, उनको बिठा के बाकायदा मुकाबला होता था. एंड आई ऑलवेज यूज्ड टू बीट देम हैंड्स डाउन. कभी भी सारों को इतने शर्मिंदा होते थे सब, बिकॉज मुझे सारा वो पढ़ाया हुआ होता था उन्होंने. तो वो मेरे जहन में उस वक्त से था कि पढ़ाई 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 जो है ये दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. अच्छा हमारा स्पोर्ट्स का बहुत था. असर और मगरिब के दरमियान तो हम कभी घर में होते ही नहीं थे. क्रिकेट है, हॉकी है, फुटबॉल है, पिट्ठू है, लट्टू है, कंचे हैं, पतंग उड़ा रहे हैं, पतंग लूट रहे हैं, ये सब जो करते थे हम. ऑफ कोर्स
हमने तो बाहर जिंदगी गुजारी, लेकिन इन्होंने तो बाहर की शक्ल ही नहीं देखी। नहीं, जब ये, नहीं जब ये बड़े हो रहे थे तो उस वक्त तो कराची में जो मसले थे ना, वहाँ पर डिफेंस की लाइफ ऐसी नहीं है। हम नाजमात में रहते थे, वो लाइफ डिफरेंट थी। डिफेंस की लाइफ ऐसी है कि बच्चे घर से बाहर, गैरेज से बाहर जाएं तो गार्ड साथ या वो ड्राइवर साथ खड़ा होता है कि बच्चा बाहर है उसको देखते रहे। तो वो एक बिल्कुल डिफरेंट किस्म के उसमें माहौल में हम बड़े हुए, ये डिफरेंट किस्म के माहौल में बड़े हुए। ये अब आपके ग्रैंड बेबीज एक डिफरेंट, वो तो इसके हैं। वो तो नीचे मेरे पास आते ही कहते हैं कि टीवी खोल दो, मुझे वो प्रोग्राम देखना है ना। तो कोई और फादर, आई वांट टू आस्क यू कि यू नो आई विल टेल यू वन थिंग, आई विल टेल यू वन थिंग, यू नो ये जो बात कर रहे हैं अबू, आई एम सो ग्रेटफुल नाउ बिकॉज ओनली व्हेन यू लुक बैक, सिर्फ जब आप पीछे देखते हैं फिर आपको चीज़ें समझ आती हैं। सो ये जो एजुकेशन पे फोकस किया, एजुकेशन तो ठीक है बट मेरे लिए एजुकेशन से ज़्यादा ऑलराउंडेडनेस जो ज़रूरी है। तो ये जो किताबें लेकर आए, यू नो हैड अ होल लाइब्रेरी ऑफ बुक्स, एंड बिकॉज हम लोग बाहर नहीं जा पाते थे एज चिल्ड्रेन, सो मैं सिर्फ किताबें पढ़ता रहता था। और आज बिकॉज ऑफ दैट जो मेरी नॉलेज है और जहाँ मैं दुनिया में बोलता हूँ, जो भी बोलता हूँ, इट्स दैट लिटिल किड हु वॉज सिटिंग इन हिज हाउस रीडिंग ऑल दोज बुक्स नाउ स्पीक्स एट एवरी फोरम इन द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ दैट। दूसरी चीज़ अबू ने ये कराई कि ही गॉट हिज मेंबरशिप टू ऑल दीज क्लब्स, टू जिमखाना, टू डिफेंस क्लब, टू ऑल दीज क्लब्स, सो इंट्रोड्यूस मी टू स्पोर्ट। और उससे मेरी पर्सनैलिटी में बहुत डिवेलपमेंट आई और मेरा काम एंड एवरीथिंग, अभी जो मेरी एथलेटिसिज्म है, सर्जरी में एजिलिटी है, ऑल ऑफ दीज थिंग्स एड अप। देन ही इंट्रोड्यूस मी टू म्यूजिक, उन्होंने हमें म्यूजिक में, वो हम कैच ऑन नहीं किया बट म्यूजिक ही क्लासेस में भेजा बाकायदा, टीचर लगा के वहाँ जाइए और इसकी बड़ी बहन, लेकिन दोनों उसमें लगे नहीं। छोटी बेटी को भेजा, वो भी नहीं गई। सो आई ट्राइड, यू ट्राइड टू हैव अ म्यूजिकल चाइल्ड, सो ही डिड, यू नो ही डिड द राइट थिंग्स विदाउट डूइंग द इमोशनल थिंग। आई अंडरस्टैंड, यू अंडरस्टैंड राइट, ही इज लाइक आई लाइक व्हेन यू आर अ डॉक्टर, इलाज आप कर देते बट आई एम नॉट गोना सिट देयर टू लिसन टू यू क्राई एंड व्हेन जब हमें दर्द हो रहा है, राइट, यू डू योर थिंग एंड यू मूव ऑन, राइट, यू डू द एसेंशियल थिंग्स दैट आर नीडेड, but you don't do the like, you know, I understand, so I think it was that, a different time, it was a different time. Acha mera wo jo hai na bachchon ke sath kisi bhi bachchon se wo lipatne chimatne wali kahani jo hai na, we call them chimtus, chimtus, chimtus era, wo concept chimtus wo kabhi nahi hui. अच्छा, मैं बहुत सीरियस किस्म की चिमटू बच्ची थी ग्रोइंग अप। हम लोग जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक की जाने, ब्रेक से वापस आएंगे, इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। Welcome back from the break, everyone. Hamare saath the amazing father-son duo, who are also doctors, Dr. Zubair and Dr. Fahad Mirza, maujood hain. Aur baatcheet ho rahi hai relationships ke baare mein. We've discussed yours, Fahad. Now I want to ask you, ki aapka, now you're a dad as well, two beautiful sons, and how is your relationship with them? Is it different from your dad's relationship with you? So my relationship with my kids is completely different. Yeah? Matlab, मेरे बच्चों के साथ तो आई कॉल देम बड, आई कॉल देम ब्रो, आई कॉल देम डूड, सो दे थिंक के आई एम देयर थर्ड फ्रेंड, एंड टू द एक्सटेंट के वो दोनों मिलते हैं मैं एनिमी होता हूँ। सो कल भी मैं जब 10 बजे काम से घर आया तो वो रेडी थे हैरी पॉटर के वॉन्ड्स लेते आते ही अटैक शुरू हो गया, आई एम टर्निंग इनटू योर टोड, आई एम टर्निंग इनटू अ फ्रॉग, वो नर्व गन्स लेके मुझे गोलियाँ मार रहा है, बाबा के वीडियो निंजा फाइट, और सर पे आके चढ़ जाते हैं, और टू द एक्सटेंट के दे जस्ट स्मदर मी एंड आई स्मदर, लाइक यू नो आई, यू आर हैप्पी टू बी स्मदर्ड, आई एम हैप्पी टू बी स्मदर्ड टू द एक्सटेंट कि मुझे याद है एक दफ़ा मेरे लोग पूछते थे कि तुम शादी क्यों नहीं करना चाहते हो, आई सर मैं शादी से नहीं करना चाहता हूँ बिकॉज आई डोंट वॉन्ट हैव चिल्ड्रेन, बिकॉज बच्चे होते तो एक शलवार खींच रहा है, एक बाल खींच रहा है, सर पे चढ़ा हुआ है, और यू नो इस तरह करके आपकी जान को आए होते हैं। That's why I didn't want to get married, right? And have children.
So now, and I must have said this to someone joking about, because when I go in the pool, ये चढ़े हुए होते हैं ना मेरे ऊपर, आई कॉन्ट इवन हैव लाइक माई कोक इन द पूल बिकॉज एक यहाँ खींच रहा है, एक वहाँ खींच रहा है. सो आई मस्ट हैव सेड दिस टू अ फ्रेंड ऑफ माइन वाइल आई डोंट नो. सो रोहान माई 7-year-old, सो ही इज लाइक आई नेवर वॉन्ट टू गेट मैरिड. आई एम लाइक वाई डोंट यू वॉन्ट टू गेट मैरिड. ही इज लाइक नो आई वॉन्ट टू गेट मैरिड बिकॉज इफ आई गेट मैरिड आई हैव चिल्ड्रन एंड देन वन विल बी पुलिंग माई पजामा द अदर बी पुलिंग. ये क्या क्या सुन रहे होते हैं ये बच्चे. But nice. But always there for them, trying to anticipate things. Mashallah, with my children, I'm trying to. जो चीज़ें मैं अब सीख रहा हूँ, especially सबसे important चीज़ होती है कि अपने अपने जिस्म को अपने दिमाग को कैसे चलाना है आपने. तो जो चीज़ें मैं अब सीख रहा हूँ, मैंने बड़ा काम किया, मेडिटेट करता हूँ, इंटरनल वर्क करता हूँ, और अब मुझे जो समझ आया है मेरे बच्चों को मैं अभी से सिखा रहा हूँ. बिकॉज सच जितने जल्दी पता चले उतना अच्छा है. टू द एक्सटेंट कि रूहान मेरा जो बड़ा वाला है, एक दिन मुझे जाके कहता है कि बाबा माई माइंड इज प्लेइंग ट्रिक्स ऑन मी एंड आई गॉट रियली वरीड कि मतलब कोई इमेजिनरी फ्रेंड हो या कोई जिन भूत हो. तो हमें तो दादियाँ डराती थी जिन आ जाते हैं भूत आया से, उन्होंने ऐसा तो कुछ नहीं हो गया. इज लाइक माई माइंड इज टेलिंग मी दैट देर इज अ वुल्फ बिहाइंड द कर्टन बट आई नो दैट देर इज नो वुल्फ बिहाइंड द कर्टन. ही कैन ऑलरेडी आइडेंटिफाई हिज फियर्स कि उसका दिमाग कह रहा है बट ये सच नहीं है. बिकॉज हम सबको हमारे दिमाग बहुत सारी बातें कहते हैं सच नहीं होते ना. 99% ऑफ दीज थॉट्स आरंट इवन ट्रू. बचपन में तो वैसी उल्टी सीधी कहानियां बच्चों को सुनाई जाती हैं. दादी ने मैं भाई कोई 30 साल में दरख्तों के पास नहीं गया. दादी कहती जिन होते हैं. ओ माय गॉड. अभी अब जाके मैं अब छत पे जाके फिर रात में दरख्तों के साथ बैठता हूँ. इतने हसीन दरख्त है. और लड़कियों को तो खास कर कहते थे मग़रिब के वक्त दरख्त के नीचे नहीं जाना, खुशबू लगा के नहीं जाना, जिनको प्यार हो जाएगा. ओह माय गॉड, खुशबू लगा के नहीं जाना. ओह माय गॉड, ये दादियों ने डिस्ट्रॉय कर दिया है. ओके, आई हैव अ गेम जो मैं आप लोगों के साथ खेलना चाहती हूँ. इट्स कॉल्ड फेवरेट फर्स्ट. जल्दी से आप दोनों से वन बाय वन सवाल करूंगी. सबसे पहले रैपिड फायर. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन टू फहद. फर्स्ट टाइम आपके अब्बा ने रियलाइज किया कि आप फेमस हैं. First time you realized he was famous. ये exact instance तो नहीं याद, but like once I started coming on TV and plastic surgery, my things start. So then people used to say के used to tell him about me and used to praise me in front of him and his friends used to be like, oh, उसको भी invite करो, उसको भी बुलाओ. And then he's like, oh, okay. He's grown now. He's grown now. ये मेरे circle में मेरे दोस्त इसको अप्रिशिएट कर रहे, बुला रहे हैं. ओके, जबरदस्त. आप सबसे ज्यादा गुस्सा फहद पे किस चीज पे? कोई एक इंसिडेंट? पढ़ाई. कौन सा एग्जाम? पढ़ाई अगर है तो कौन सा एग्जाम? जब पढ़ाई में जब सीरियस नहीं होता, दैट वाज बिकॉज मैंने कहा ना, जो मेरे फादर ने मेरे, अच्छा दो चीजें हैं, एक पढ़ाई और दूसरा एक और है टाइम का. जो इसका He is like my wife. He is never ready on time. You are digging a hole, sir. He is never ready on time. मेरी wife का भी यही है कि कहीं भी जाना हो, मेरे आप कहते मेरे वालिद का बताऊँ, हम punctual थे. इतने थे कि वो हमारा my father used to be in the air quarters. हम पिशावर में उस वक्त रहते थे, air quarters पिशावर में था. तो 10 minutes walk from the house to the air quarters. तो वो रोज़ जब ऑफिस के लिए निकलते थे, बिलीव मी मोहल्ले वाले कहते थे मिर्ज़ा साहब को देख के हम अपनी घड़ियाँ सही करते हैं. वो सो पंक्चुअल. मेरी जब शादी हुई थी, बारात का टाइम था 8 बजे, 7:45 बजे बारात वहाँ गई तो बीवी की तरफ से रिसीव करने वाला कोई, देयर वाज़ नोबडी उधर रिसीव. उन्होंने कहा 8 बजे तो 9 तक आएंगे. मेरे फादर 7:45 बजे पहुँच गए बारात पे. वो सो पंक्चुअल. I like that. I think I foresee that sort of a situation happening. ये मुझमें भी है, ये time की. That's very good. बहुत अच्छी बात है. हम लोग continue करेंगे इस question answer session को, मगर इस break के बाद कहीं ना जाइएगा. देखते रहिए Chai Toast for Host.
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन. हमारे साथ डॉक्टर जुबैर और डॉक्टर फहद मिर्ज़ा मौजूद हैं और बातचीत हो रही है फेवरेट फर्स्ट के बारे में. मेरा अगला सवाल जो है, कभी आपने अपने अब्बा के लिए खाना बनाया फहद? नहीं, आई डोंट रिकॉल. मंगवाया है खाना, बनाया नहीं है. ओके, ऑलराइट. अब डॉक्टर जुबैर, आप मुझे बताएं कि आपने पॉकेट मनी सबसे ज़्यादा जो आपको लगी कि बहुत आपने बहुत ज़्यादा पैसे दे दिए फहद को, वो क्या कितने थे और कब दिए? I have no idea. कोई आपने प्रिंसली सम नहीं दिया कि मैं इतने पैसे तुम पे खर्च किए तुम्हें दे रहा हूँ? नहीं, वो कई बाहर जाते थे, वहाँ कुछ चीज़ें खरीदनी है. एक मुझे चीज़ याद है, एक कुछ चीज़ों में इसका था कि ये उसके दिमाग में घुस जाती थी, निकलती नहीं थी वो. हम USA गए तो वहाँ इसको था कि टेनिस का रैकेट मुझे ख़रीदना है. मुझे याद है इसने हम अच्छा मैं कह रहा था नहीं ख़रीदना है. याद है तुम्हें? इंसिस्टेड कि नहीं, रैकेट फाइनली Prince का. Prince का. He managed to buy that racket. Yeah, it was $100 racket back in that day. $100. वो इसके लग गई कि वो racket चाहिए. और racket ले लिया फिर? हाँ, ले ली finally. आपने दिल पे पत्थर रख के आपने कहा कि बस ठीक. हाँ नहीं, मुझे इसके बाद तुम आंड्रे अगासी नहीं बने ना, तो मैं तुम्हें चंडे कराऊंगा. मुझे ये था कि फिर ये खेल में लग जाएगा और पढ़ाई कम हो जाएगी. फिर आपने मेरे अमेरिका के भी तो भेजे थे मुझे. मैं वहाँ भी अमेरिका, अब्बू ने मुझे पढ़ने के लिए भेजा ये वहाँ से वापस आ गया 4 महीने बाद. Yeah, because I wanted to do medicine. इसने कहा मुझे याद है, नहीं मुझे पाकिस्तान की लाइफ पसंद. Nice. मुझे ये बताएं कि आपने अब्बा को सरबत के बारे में कैसे बताया? How was that conversation? सरबत के बारे में? हाँ? He's saying you knew? Yeah, we were going out. So, अब्बा न्यू, बट वो नजर भाई घर में नजर आ रहे हैं, मिल रहे हैं, पार्टी में आ रहे हैं, तो वो नजर तो आ रहा है. सरबत वाज माय फर्स्ट, शी वाज माय फर्स्ट लव. माय वाइफ न्यू मोर, तो शी यूज्ड टू टेल मी. नहीं, इसने खुद तो नहीं कभी मुझसे बात की. मैं सरबत को जानता हूं एंड क्योंकि वो एक डिस्टेंस जो पुराना हमारा जनरेशन से चला आ रहा है कि वो आज की तरह थोड़ी कम्युनिकेट. डैड आई हैव अ न्यू गर्लफ्रेंड. ओनली एक ही लड़की मिली, उसी से फंस गए. वो हमारा वो नहीं था, वो तो नजर आ रहा था, बट वी नेवर टॉक्ड अबाउट हर. माय वाइफ यूज्ड टू टॉक विद दीस टू. मैंने कभी इस मसले पे, बट ऑब्वियसली वो पढ़ाई का टाइम, वी बोथ यंग, मैं डाउन में था, वो इंडस वैली के अंदर थी एंड पढ़ाई नहीं, एंड देन यू नो इट टुक इट टाइम. ठीक है. अच्छा, मुझे बताएं कि फर्स्ट कॉन्सर्ट जो आपने दोनों ने कभी कोई कॉन्सर्ट इकट्ठे अटेंड किया? कॉन्सर्ट तो नहीं अटेंड किया, बट मैंने जो अपना पहला थिएटर प्ले था तो उसमें मैंने अब्बू को बुलाया. एंड PSCC में था. PSCC में था. इट्स कॉल्ड पिकासो द लपानशील एंड आई वाज प्लेइंग पिकासो. इट्स प्लेइंग पिकासो इन इट एंड अब्बू जी के तुम क्या तमाशा कर रहे हो? अब्बू जी यू नो ये कोई तो ये बिकॉज दिस वाज इन द डेज व्हेन एक्टिंग वाज नॉट लुक्ड अपॉन फेवरेबली. सो ही इज लाइक तुम अपनी मेडिसिन से दूर जा रहे हो, तुम डिस्ट्रैक्शन में लगे हो, तुम भागना चाहते हो पढ़ाई से. ही इज लाइक यू रनिंग अवे फ्रॉम योर स्टडीज. आई नो नो आई वांट टू डू माय स्टडीज आल्सो, बट दिस इज समथिंग दैट आई एंजॉय डूइंग. एंड सो आई बॉट अब्बू अ टिकट. अब्बू कह रहे मैंने यार मैंने टिकट खरीदी अब्बू के लिए. एंड आई इनवाइटेड हिम टू कम एंड ही हैड अ फर्न फ्रंट रो सीट एंड आई परफॉर्मड इन इट. सो आई थिंक दैट्स व्हेन अच्छा मुझे उस वक्त जो ऑल्दो मेरे बहुत सारे दो जब इंग्लैंड से मुझे मैं आया तो कुछ अरसे के लिए आई स्टेड इन ये शरफाबाद में. तो शरफाबाद वहाँ से जो टीवी PTV था वो पैदल के रास्ते पे था, 4 घर छो उसी रोड में था. या तो वहाँ काफ़ी सारे यूज टू उस ज़माने में ये सिक्योरिटी कुछ भी नहीं थी. ये मैं सब देखते रहते थे डेली. उधर अंदर जाके बहुत सारे जो उस वक्त के जो आर्टिस्ट थे टॉप के उनसे दोस्ती सो मच सो कि मैंने एक PTV के आर्टिस्ट का और मेडिक डॉक्टर्स का नेशनल स्टेडियम में क्रिकेट मैच कराया था. नाइस. ये बहुत सारे जितने उस वक्त के जितने टॉप थे वो सब वहाँ मौजूद थे, क्राउड में भी थे और खेल भी रहे थे बहुत सारे. तो उस वक्त था उस वक्त, बट वो लेकिन अपने बच्चों के लिए कभी मैंने नहीं सोचा कि ये अब खुद भी हीरो लगते थे. स्टिल लुक्स लाइक अ हीरो. अच्छा, मेरे पास एक और गेम है मैं जो आप लोगों के साथ खेलना चाहती हूँ. इट्स कॉल्ड द 5 सेकंड रूल. मैं आपसे सवाल पूछूंगी वन बाय वन, आपने 5 सेकंड में जवाब देना है और जवाब देने के साथ ही घंटी बजानी है. आप घंटी अपने करीब कर सकते हैं. ऑलराइट,
नहीं दोनों में से कोई भी जवाब दे आपसे अलग पूछूंगी इनसे अलग तो घंटी पे क्या फायदा आपने जवाब देने के बाद घंटी अच्छा ठीक है आफ्टर बट यू हैव टू आंसर इन 5 seconds क्विक शॉर्ट आंसर ठीक है तीन चीजें जो कि आपको अपने अब्बा के बारे में बहुत पसंद है नंबर वन वेरी मेथोडिकल बहुत पढ़े लिखे बहुत मेथोडिकल है वेरी डिसिप्लिन्ड एंड सुपर नॉलेजेबल अगर मुझे मालूम करना होता है कि कल छुट्टी है अब्बू कल क्या हो रहा है यहाँ क्या हो रहा है अब्बू इज माय इंसाइक्लोपीडिया फॉर एवरीथिंग जबरदस्त तीन फेवरेट सिंगर्स आपके कौन से हैं पाकिस्तानी या कोई भी देखिए अगर पाकिस्तानी कहूँ तो अली जफर है और बाकी ऑब्वियसली बाहर के सिंगर में तो ऑब्वियसली जो चले गए लता और रफी को ही कह सकते हो जबरदस्त ऑलराइट तीन फेवरेट खाने की डिशेस आपके वालिद की बाजरे के आटे का पराठा सरसों का साग घर का खाना तीन फेवरेट चीजें फाहद की जो खाते हैं बाहर की सैलेड बाहर कोई सूप वगैरह और बाहर की कोई फजूल सी चीजें जो जो दोस्त 20 रुपए की होती हैं वो 800 रुपए में बेचते हैं महंगा खाना इन अदर वर्ड्स अब्बू को ओकरा ले जाओ ना एंड यू स्पेंड लाइक 40,000 रुपीज लाइक ये तो बेकार छोटा सा एक टोस्ट का पीस होता है उस पे एक छोटी सी कोई गोश्त टुकड़ा रखा है कितने 40,000 रुपीज 600 का मैं कहता हूं ये तो 20 रुपए भी इसकी वो नहीं आपने मेरे सारे के सारे आपको पता है मैं शेफ हूँ मेरे सारे प्रोफेशन को इस आग लगा के ओवरप्राइस्ड हाइपर इन्फ्लेशन ओके हाउ वी विल लुक इनटू दिस डॉक्टर साहब बाय ओ डियर तीन फेवरेट मूवीज अब बाकी जेम्स बॉन्ड बिकॉज़ ही इंट्रोड्यूस्ड मी टू जेम्स बॉन्ड सीरीज अमिताभ की दौड़ दो पांच ही इज आल्सो वाचिंग एथनोल मूवी नहीं बट लाइक इट्स अ टीवी शो फेयर एनफ ऑलराइट जल्दी से आखिरी सवाल आपसे सर कि आपकी ख्याल में फाहद को क्या देखना पसंद है टीवी पे टीवी पे फाहद एक तो टीवी ज्यादा देखता नहीं है बहुत कम ये मेरी तरह मैं आई वॉच टीवी मोर बट आई हैव रेयरली सीन हिम अक्सर ये पूछता है मुझसे कि इकॉनमी में क्या हो रहा है ये इस पार्टी का क्या हो रहा है ये इमरान का क्या हुआ शहबाज शरीफ का क्या हुआ तो इसके पास नहीं टाइम नहीं होता जैसे काम से एक तो लेट आता है आके जैसे इसने कहा बच्चे चिमट जाते हैं बच्चे पे सरबत भी है तो और टी वी नॉर्मली ही लिव अपस्टेयर्स का टी वी ऊपर है तो पता नहीं चलता बट इज नॉट अ ग्रेट टीवी वॉचर ऑलराइट ओके दैट्स ग्रेट नाज़रीन हम जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक की जाने ब्रेक से वापस आएंगे इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे फहद से पूछेंगे कि उन्होंने कितने ज्यादा पैसे खर्च किए हैं 20 रुपए के खानों पे मगर ब्रेक के बाद कहीं ना जाएगा देखते रहिए टाइटल्स द होस्ट वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन हमारे साथ डॉक्टर जुबैर मिर्ज़ा बैठे हुए हैं डॉक्टर फहद मिर्ज़ा बैठे हुए हैं और हमें ज्वाइन किया है लेनी एंड किमाया मैसी ने और बात हो रही थी एक आखिरी सवाल जो मैं पूछना यस यस आई वांट टू आस्क यू वन लास्ट क्वेश्चन बिफोर वी कट टू लाइक अ लवली म्यूजिकल परफॉर्मेंस जल्दी से मुझे बताएं कि तीन गिफ्ट्स ऐसे जो कि आपने अपने डैड को दिए द रीज़न व्हाई आई एम आस्किंग इज So I think the best perfume in the world that my children also now know is called Chanel Blue. And so I gave my dad that perfume, something that's very close to me. Last year was Abu's birthday. Abu's an avid golfer and because of Abu, I took up golf. Abu was buying a new golf set. So I think half of that, I think
for that golf set. And for this year's birthday, because Abbu is unbelievable. I'm 41 and I feel it's so difficult to control my weight. But Abbu at this age is like half my waistline. And now all his clothes are loose. So I have to go take him to I'm going to take him to Republic by Umar Farooq. Uh-huh. Because he's amazing trousers and Chester Bernard for sure. My waist is now 32. So we need to redo Abbu's. So three things. The third gift is due that I have to take him to. Time nahi mila jane ka. Zabardast. Okay, so there's a cool idea that you could potentially do for Father's Day. Rain check de diya mujhe. Bahut shukriya aapka, you know, to share that. So sporting, you know, thing that your dad's interested in, clothing, perfumes. And overall his wardrobe. Get him a new wardrobe. Get him a new wardrobe. Get your dad like a fancy new wardrobe. Lenny, if you wouldn't mind, can we ask you to perform something for us? Thank you so much, and I hope that you guys have a wonderful weekend. Aap sab logon ka bahut bahut shukriya aane ka. I'm really happy to meet you, sir. And I hope that you can rid Fahad of his, you know, mehenge khane khane ki habit. Acha, ek baat main keh do, of all the artists jo hai na, jo sabse zyada mujhe appeal karte hai na, wo jo musicians hote hai na, jo ye jo musical instruments bajate hai, I find them really fascinating. Zabardast. Yes, there you go. मतलब acting है, गाना है, सब कुछ अपनी जगह है. But instrument. I think this playing an instrument is different, something which to me is different level of skill. A height of artistry. Zabardast. Thank you so much, Lenny. Thank you so much, Kimaya. Thank you so much, Fahad. Thank you, sir. इसी के साथ नाज़रीन, आई होप दैट यू गाइज एंजॉय द वीकेंड. रिमेंबर फादर्स डे को स्पेशल करें संडे को, और अगर अभी तक कुछ नहीं लिया तो जल्दी जल्दी ले लें. फहद गिवन अ कपल ऑफ गुड टिप्स. यू कैन इवन गिवन IOU विद द टिप्स दैट फहद गिवन. IOU दे देना कि मैं अगले हफ्ते कर लेंगे डैड. बहुत बिजी था. रीन चेक हो जाएगा. मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिए. मंडे को एक नए शो के साथ मुलाकात होगी. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.